साधारण निर्वाचन को नहीं एवं केन्दुझर राजनीति सरगरम हो जाएगी। हेवीवेट नेता माने एवं पिलामानकु आगो कानुथिबा देखिबाकु मिलुछि। वरिष्ठ नेता माने निर्वाचन न लड़ी पिलाको पई सीढ़ी सजाड़े लागि पड़िछन्ति। विशेषकर केन्दुझर घसीपुरा और आंदपुर एवं नेता पु नेता हे चर्चा हो। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयदेव जेना निज पुओं को प्रार्थी करने को चिंता करिछन्ति। सेहीपरि निरंजन पट्टनायकों पु नवज्योति पट्टनायक घसीपुरु लड़े चर्चा जोर धरी। सेपटे वरिष्ठ बीजेडी नेता बद्री नारायण पात्र निज पुओं क्षेत्र प्रस्तुत करुछन्ति। घसीपुरा दीर्घ दिन धरी निरंजन पट्टनायक बनाम बद्री नारायण पात्र लड़ी देखा मिलू। बद्री दबदबा आगे कि निरंजन फिका पड़ जाइंट कहले भूल हेबना। रामचंद्रपुर और घसीपुरु निरंजन चारिथर विधायक होता बेले बद्री केतु छःथर विधायक होवार सौभाग्य पाई। उभय नेता घसीपुरा भोट बैंक रही। घसीपुरार लोकप्रिय नेता बद्री पात्र एवं 80 में पहुंचले। स्वास्थ्यावस्था और बयस कारण से आउ निर्वाचन लड़ाकु चाहूना। पुओ देवाशीष से टिकेट लबी आरंभ कर तेज विभिन्न बिवाद में फसी जाइव देवाशीष को दल ग्रीन सिग्नल दे पारना। सेपटे 2019 रे निरंजन दुईट आसन लड़ते भंडारी पोखरी सह से निजर पारंपरिक आसन घसीपुरु लड़ते। गत निर्वाचन में प्राय 32,000 भोट्रे हारी भी निरंजन से ही आसन छाड़ प्रस्तुत नुहंत। तेणु एथर से भंडारी पोखरी और पुओ नवज्योति घसीपुरु लड़े करने को योजना करदि। बद्री पात्र पुओं को बीजेडी टिकेट दिए तबे घसीपुरु नुआ लड़ी आरंभ हो। राजनीतिक मैदान में बापा पर पुओ मुहांमुही हे। गत निर्वाचन में बद्री को 86,000 अधिक भोट मिलता बेले निरंजन को 54,000 भोट मिलता। सेपटे बीजेपी नेता पृथ्वीराज कुंवर को 27,000 भोट्रे संतुष्ट रहिबाकु पड़ा। पूर्व पृथ्वीराज कांग्रेस से बीजेपी में जोगदे टिकेट नेबारे सफल होते। धर्मेन्द्र प्रधान कोटरीर होती पुणे बीजेपी टिकेट मिलबार संभावना रही। बीजेडी और कांग्रेस प्रार्थी बदलार थे गतथर भाई सामान लड़ेर आभास मिली। तेरे बापा भली पिला लड़े केते रोचक होबो ताहा उपरे नजर रही।